हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको नया तरीका बताने वाला हूँ कि व्हाट्सएप में हम डॉक्यूमेंट्स करके कैसे फ़ोटोज़ को सेंड कर सकते हैं, जिससे कि हमारी क्वालिटी रिड्यूस ना हो, क्वालिटी लूज ना हो। ये जो तरीका है ये आईफोन में वर्क करेगा, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन में तो हम वैसे भी डॉक्यूमेंट्स को जैसे मर्जी फ़ोटोज़ वगैरह को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आईफोन में ये ऐसा नहीं होता है। तो गाइस, जैसे कि हम अपना पुराना मेथड यूज़ कर रहे थे डॉक्यूमेंट्स वाला, पहले फ़ोटोज़ ऐप में फाइल्स में सेव करना और फिर फाइल से हमें डायरेक्ट यहाँ पर डॉक्यूमेंट अगर हम सेलेक्ट करते तो फाइल्स एप्लीकेशन ओपन हो जाती थी। लेकिन अब आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करूँगा तो ये जो है गाइस, मुझे फ़ोटो सेलेक्ट करने पर कोई भी सेंड बटन या फिर कोई और बटन नहीं दिखाता। अगर मैं इस शेयर बटन पर क्लिक कर दूँगा तो ये मुझे नॉर्मल ही सिंपल एक चीज़ कर बता देगा कि मुझे ये जो है व्हाट्सएप में नॉर्मल फ़ोटो ही जाएगी और वो जो है पिक्सल्स फट जाएंगे, क्वालिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। ये इसलिए व्हाट्सएप ने ऐसे ये जो अपडेट नया आया है, क्योंकि यहाँ पर व्हाट्सएप ने ये जो नया ऑप्शन हमें मिला है जो कि व्यू वंस वाला ऑप्शन है, उसके कारण हमें इस चीज़ में फ़र्क देखने को मिलता है। लेकिन आज मैं आपको नया मेथड बताने वाला हूँ कि जैसे हम व्हाट्सएप में बड़ी आसानी से डॉक्यूमेंट्स को, फ़ोटोज़ को डॉक्यूमेंट्स करके सेंड कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी भी रिड्यूस नहीं होगी, पिक्सल भी नहीं फटेंगे। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आएगी। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। बस इस वीडियो को जस्ट एक 30 सेकेंड की डिले। गाइज, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है इस नए अपडेट के बाद में। तो आपको आईफोन से रिलेटेड फ़ोटोज़, वीडियोज़ की जो भी पंगे वगैरह लेने की वीडियोज़ इस चैनल पे मिल जाएंगी। चलो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ वाली बात है। तो सबसे पहले गाइज प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मान लो मुझे व्हाट्सएप में इस कॉन्टैक्ट को अपनी ये फ़ोटो सेंड करनी है, ये वाली फ़ोटो मान लो मुझे ये सेंड करनी है। अगर मैं डॉक्यूमेंट करने के लिए कोशिश करूं तो मुझे सबसे पहले करना पड़ता था सेव टू फाइल्स, लेकिन अब वो ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा। इस मेथड में हमें क्या करना है, जस्ट वही प्रोसेस है, शेयर बटन पे क्लिक करना है। और गाइज यहाँ पर मैं आपको बारीकी से पास से समझाना चाहूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर सबसे नीचे ऑप्शन दिखेगा प्रिंट का, हमें प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमें अभी कोई भी सेव वाला या कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, हमें बस यहाँ पर फ़ोटो पर थोड़ा सा जूम करना है तो ये फ़ोटो जो है एक तरह से PDF फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। हमें अब शेयर बटन पे क्लिक करना है और व्हाट्सएप में हम किसी को भी सेंड कर सकते हैं। इससे हमारे दो फायदे हो रहे हैं, वो क्या फ़ायदे हो रहे हैं मैं आपको अभी वीडियो के लास्ट में बताता हूँ। आप देख सकते हैं हमें सेंड बटन पे क्लिक कर देना है, और जैसे ही हम सेंड वन ऑफ वन कर रहे हैं तो ये गाइज वो फ़ोटो ये जो है बिना क्वालिटी रिड्यूस किए सेम टू सेम फॉर्मेट में, सेम टू सेम साइज में उस कॉन्टैक्ट को रिसीव हो जाएगी, जिस साइज़ में मैंने सेंड की है। मान लो ये जो मेरी फ़ोटो है 124 KB की है, और मैं मान लो अपनी फ़ोटो को देखना चाहूँ कि किस साइज़ में, किस रेजोल्यूशन में मेरी फ़ोटो जो गई है, एक फ़ोटो नहीं, एक PDF के तौर पे गई है ये फ़ोटो। तो जस्ट होल्ड ऑन, मैं आपको अभी दिखाऊँ कि मैं इस अपने दूसरे फ़ोन में शेयर करके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं फॉरवर्ड करूँगा और अपनी फ़ोटो को, तो जैसे कि गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इस फ़ोन को सेंड कर दिया है, और ये जो है मुझे सेम टू सेम वही सेम साइज़ में फ़ोटो दिख जाएगी। और इसे सेव करने के लिए जस्ट मुझे इस शेयर बटन पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सेव टू फाइल्स, सेव टू कैमरा रोल भी आपको देखने को मिल जाएगा। जस्ट यही सिंपल मेथड है, आप देख सकते हैं कॉपी भी कर सकते हैं या फिर सेव टू फाइल्स में करता हूँ अगर इसको तो। जस्ट मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ कि आपको फ़ोटोज़ जो हैं अपने आईफोन में कैसे लानी है। तो आप अपनी iCloud ड्राइव में सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर अपने आईफोन में सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मान लो ये मेरी आ गई फ़ोटोज़, ये बेसिकली मेरे फ़ोन में जो फ़ोटोज़ आ गई हैं PDF के तौर पे आई है। वैसे आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, अगर आपको फ़ोटो ही चाहिए तो बेसिकली आप देख सकते हैं ये है फ़ोटो, और ये जो है मेरी रिसेंट्स में आ चुकी है। अब मैं इसे शेयर करके जस्ट अपनी सेव टू फाइल्स कर सकता हूँ, सेव टू कैमरा रोल भी कर सकता हूँ, किसी को भी iCloud या फिर आप देख सकते हैं AirDrop भी कर सकता हूँ। बेसिकली ये जो फ़ोटो है मेरी फ़ोन में आ चुकी है। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। ये जो सिंपल मेथड है, इससे फ़ायदा ये है कि हमारी जो है फाइल्स एप्लीकेशन की जो स्टोरेज है वो भी फिल नहीं होगी अगर हम इसे सेव टू फाइल्स ऑप्शन नहीं करना चाहते हैं। जैसे हमें पिछली बार हमें डॉक्यूमेंट पहले फाइल्स में सेव करने पड़ते थे, वो फाइल्स की भी स्टोरेज होती थी, क्योंकि हम कभी कभी भूल जाते थे फाइल्स से डिलीट करना, तो दो बार हमारी फ़ोटोज़ जो हैं वो सेव रहती थी। आई होप गाइज आपको ये मेथड काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू गाइज़।